नमस्कार, डीबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बिजनौर में। यहाँ पे एक रिक्शा चालक हैं जो पिछले काफ़ी समय से रिक्शा चला रहे हैं, जिनके दोनों पैर नहीं हैं, और इन्होंने किसी और काम को ना चुनते हुए अपनी मेहनत से अपने परिवार को पालने का बेड़ा उठाया है। आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से रिक्शा चला रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अख्तर है। जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मोहल्ला चाशी वाहिद मंजिल बिजनौर। अच्छा, ये रिक्शा कब से चला रहे हैं आप? ये रिक्शा 7 साल से चला रहा है सर। सर मेहनत हम दर्जी का काम करा, हमने इलेक्ट्रिशियन का काम करा, कुंडी गुंडा का काम करा है जी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया है जी, अब पान की दुकान पे छोड़ के इस पे बैठे 7 साल से। अच्छा, आपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है जी, तो बच्चों को शिक्षा दी। बड़े हो कितने हो आप? मैं इंटर पास हूँ सर। इंटर पास हो जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में इस टाइम वैसे सबकी शादी हो चुकी है, मेरे साथ एक छोटी बहन है। मैंने तीन बहनों की और दो भाइयों की शादी करी है जी, अपनी मेहनत से। माँ बाबा बचपन में गुजर गए थे जी, अभी एक छोटी बहन है उनके साथ, उसके साथ हूँ मैं। तो पूरे परिवार को आप पालते हो जी? ये हम क्या पालते हैं, बस ऊपर वाला हमें हौसला दे रहा है, हम काम कर रहा है, इंसान के बस का क्या है, कुछ भी नहीं है जी। जी, जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि अगर कोई विकलांग है या अपाहिज है तो वो मेहनत करने को ना लेके दूसरे तरीके से पैसे कमा, दूसरे तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को ना देखते हुए आपने मेहनत करना पसंद किया, और आप अपने मेहनत करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हो। आपने अपनी बहनों की शादी भी की, भाई की भी की, और अपने परिवार को भी पाल रहे हो। तो इसके लिए आप जो विकलांग लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि खुददार बनो, मेहनत करो, किसी का हाथ मत बढ़ाओ, पूरी दुनिया को देने वाला ऊपर वाला उससे मांगो, बंदा कोई किसी को नहीं देता जी, अपनी मेहनत ही सब कुछ है। तो सुबह शाम तक कितना कमा लेते हो रिक्शा से? सर 500-600 रुपये हो जाते हैं। 500-600 रुपये की गाड़ी कर लेते हो जी? जी जी, कोई ऐसी बात नहीं है, आदमी चाहे तो सब काम कर सकता है। तो सरकार की तरफ से जो योजना है, सरकार की तरफ से सर हमें बस ये पेंशन मिलती है जी, केवल पेंशन मिलती है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, पेंशन मिलती है जी, और राशन वगैरह भी तो मिलता होगा? ना सर, मैं राशन बनवाया था जी, वो अकेला आदमी हम वहाँ जाए 2-4 घंटे लगे, 2-4 किलोमीटर जी, सारा दिन खराब होता, मजदूरी भी जाती, तो वो हमने सर छोड़ ही दिया था जी। राशन बना हुआ है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अभी पीछे कोरोना में किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, इसमें नहीं करी, लॉकडाउन में किसी ने भी। अच्छा, ये बताइए आपके पैर कैसे खराब हुए? सर हमारे पैर चांद ग्रहण में आए हुए, चांद ग्रहण में आए हुए जी, जी चांद ग्रहण में आए। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो दर्शकों, भी आपने देखा कि इनके दोनों पैर चांद ग्रहण में आए हुए हैं, और इनकी खुददारी देखिए कि अपने परिवार का लालन पालन ई रिक्शा चलाकर कर रहे हैं, और इन्होंने अपने भाइयों की और बहन की भी शादी की है, वो भी अपने आप से ही पैसा कमाकर, एक खुददारी दिखाते हुए किसी और रास्ते को नहीं चुनकर ऐसा कदम उठाया और अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। दर्शकों, हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि इन भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आना है कहीं किसी स्थान पर तो अगर इनकी रिक्शा दिखती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें और इनका सहयोग करें। आपके इस सहयोग से इनके परिवार को गुजारा होगा और इनको आर्थिक मदद मिल पाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, अगर आप हेल्दी, टेस्टी एंड वेजिटेरियन फूड खाने के शौकीन हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। माय चैनल नेम इज कुक विद स्मिता चिकारा। धन्यवाद।